सुशांत केस में लगातार घिरती जा रही है रिया चक्रवर्ती। अब श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हां, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद अब उन्हें सीबीआई ने भी बुलाया था और ये बताया जा रहा है कि श्रुति मोदी ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाने की कोशिश की और कथित तौर पर सीबीआई को बताया कि रिया सुशांत का फाइनेंशियल अकाउंट और उनके काम को संभालती थी। एक रिपोर्ट की माने तो श्रुति मोदी रिया को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है और रिपोर्ट की माने तो श्रुति ने आरोप लगाया है कि वो सुशांत को किसी भी तरह की दवा देने में शामिल नहीं थी और वो केवल उस पार्सल को देती थी जो सुशांत के घर आया करता था। श्रुति मोदी ने कहा, जहां तक नशीले पदार्थों और ड्रग्स का संबंध है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है और वो केवल पार्सल की डिलीवरी करती थी और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पार्सल के अंदर क्या है। श्रुति ने यह भी आरोप लगाया कि उसे कई बार स्टाफ द्वारा सामान बनाने के लिए मजबूर किया गया था। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह और उनके पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के बीच व्हाट्सएप चैट वायरल हुई थी, जिसमें बहन मोदी से पूछ रही थी कि सुशांत उन दवाओं के बारे में बता रहे हैं जो उनके कथित डिप्रेशन के लिए निर्धारित की गई थी। मीतू और श्रुति के बीच की बातचीत बताती है कि दोनों ने सुशांत के इलाज के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया था। चैट के अनुसार श्रुति ने व्हाट्सएप पर मीतू दीदी को बताया था, हाय मैं श्रुति, मैं बाहर रहूंगी, और इसके लिए मीतू ने जवाब दिया था, हाय श्रुति, प्लीज मुझे सभी ड्रग्स के पर्चे भेजो। बाद में श्रुति ने एक कागज के टुकड़े की एक इमेज भेजी थी जिसमें सुशांत के लिए निर्धारित दवाओं के नाम थे।